नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने इनमें किन किन सामग्रियों की जरूरत है देखते हैं। हमने जो है वो 4 प्याज लिया है, जिसे हम महीन महीन टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल ही महीन हमें काटना है। और हमने 3 टमाटर लिया है, जिसे उससे भी महीन महीन टुकड़ों में काटेंगे। 1 हरी मिर्च और हमने 300 ग्राम पनीर लिया। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है, अब हम अपने कुछ मसालों को भून लेंगे। तो हमने जो है इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच हमने जो है वो खड़ी धनिया ली है, और हम जो है वो बड़ा चम्मच 1/2 चम्मच जो है वो जीरा लेंगे, 2 इलायची बड़ी इलायची 2 और 3 छोटी इलायचियां, और 1 टुकड़ा छोटा हमने जो है वो दालचीनी का लिया है। इसे हम भून लेंगे अच्छे से। ये हल्का जो है वो खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे, और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है उससे केवल हमारा फ्लेवर आता है। हम 1/2 चम्मच जो है वो अपना आधा चम्मच हमने कसूरी मिर्च कसूरी मेथी डाली है। ये हमारी कसूरी मेथी है, हम इसे हल्का सा भून के और पीसेंगे। तो हमने 1 चम्मच इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1/2 चम्मच से ज्यादा हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है। इसे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, मतलब मसाले खुशबू आने तक हमने जो है वो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, और थोड़ी सी हमने 1/2 चम्मच कसूरी मेथी की डाल के फिर फटाक से हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और पीसने के लिए स्टार्ट। इसे इतना ध्यान रखिए कि इसे ठंडा करके ही हम पीसेंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। सरसों के तेल से जो है वो हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये अब हम इसे खूब गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा थोड़ा धुआं टाइप का आने लगेगा, तब जो है हम इसमें अपने प्याज को डालेंगे। अब हम इसमें हींग को थोड़ा सा डालेंगे, जो कि मेरे हर खानों में रहती है। प्याज को आपको बहुत ही महीन महीन काटना है, इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये भुनने के बाद हमारी मिक्सी में पिस जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल लेंगे, ताकि हमारे प्याज जो है वो जल्दी गल जाए। आप जो है नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अभी हम थोड़ा इसमें डालेंगे, फिर हम अपनी ग्रेवी जब बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। देखिए हमारी ये प्याज कितने अच्छे ढंग से भून गई है। हमें इसे बिल्कुल भी गुलाबी भूनना है। आप इसे तेज करके फटाफट चला के कंटिन्यू भून सकते हैं, ताकि ये जल्दी भून जाए। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो हमने 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा डाल के इसे हम मिलाएंगे। फिर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च हमारा केवल कलर लाता है, जो कि ये तीखा नहीं होता है। थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें अपनी हरी मिर्च को डाल देंगे, जो हमने 1 लिया है। आप तीखा खाते हैं तो आप और ले सकते हैं, आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये हो गया, तो हम इसे मिला लेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने जो है वो काली मिर्च पाउडर डाला।
दोस्तों हमारी ये प्याज भुन गई है, अब हम इसमें अपने महीन कटे हुए टमाटर को डाल लेंगे। टमाटर को मिक्स करके अच्छे से हम इसे भून लेंगे। हमारी ग्रेवी का कलर देखिए क्या बढ़िया आ गया है, ये भुन जाएगा तो हम इसे ठंडा करके तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। दोस्तों सारी सब्जियों सारी जो भी हम सब्जियां बनाते हैं पनीर की या कुछ भी, सब में मसाले एक ही जैसे रहते हैं लगभग ज्यादातर, बस उसको भूनने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है कि हम अपनी सब्जियों को कितने अच्छे ढंग से भूनते हैं। तो वो जितने अच्छे ढंग से हमारी सब्जियां भुनी रहती हैं उतना ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी वो लगती हैं। ये हमारे टमाटर भी बिल्कुल भुन गया है, बिल्कुल देखिए महीन काटने से ये भुनता गया है। अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। हम दोस्तों हमने कढ़ाई ले ली है, अब ये हमारी कढ़ाई बहुत गर्म हो गई है, इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देंगे। ये सरसों का तेल हमें ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने पहले ही तेल प्याज में भुना हुआ है। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है, इससे धुएं उठने लगे हैं। हम प्याज को डालेंगे, हाई फ्लेम पे ही भुनेगा, इसका ध्यान रखिए। इसको भुनने के बाद हम अपनी पनीर को डाल देंगे। पनीर हमारे थोड़ा सा भुनने के बाद हम तुरंत अपने मसालों को डालेंगे, जो सूखे मसाले हमने भून के पीसे हैं क्योंकि पनीर हमें जाना नहीं भूनेंगे। हमने हल्की पनीर को भून ली है, हम अपने इसमें गरम मसालों को डाल लेंगे। मसालों को हम थोड़ा सा बचा लेंगे, आधा चम्मच हमने अपने मसालों को बचा लिया है। इसे डालने की आधा चम्मच जरूरत नहीं है, इतने ही मसाले काफी हैं। ये जब हल्के से और हो जाएंगे अब हम इसमें अपने जो हमारे प्याज और उसका पेस्ट बनाए हैं वो हम पूरा डाल देंगे। तो प्याज टमाटर को हमने मिक्सी में पीसा है वो हमारे ग्रेवी को डाल देंगे। दोस्तों इसे मिला के हम हल्का सा भून लेंगे, देखिए ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी मिला लेंगे, आधा छोटा चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, या फिर चिली फ्लेक्स की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। और हो गया आधा छोटा चम्मच, हमने कॉर्नफ्लोर को जो है वो हल्के से पानी में घोल के इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, डालने की कोई जरूरत नहीं है हमारी ये ग्रेवी। ऐसी भी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। को तीखा आप खाते हैं तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं ज्यादा तो फिर आप इसमें पिसी लाल मिर्च डाल सकते हैं।
एक चम्मच हम मलाई डालेंगे। आप घर की जो दूध के ऊपर साड़ी इकट्ठा हो जाती है आप उसे निकाल के हल्का सा चम्मच से चला के खूब अच्छे से, और आप उसे पतला कर सकते हैं। फिर आप इसमें एक चम्मच मलाई हमने डाला है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रेवी ऐसी ही बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, हमने नमक जो है वो थोड़ा सा पहले से ही डाला है, थोड़ा नमक हम और डालेंगे। नमक हम टेस्ट करके डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम पानी हल्का सा डाल देंगे। ये बिल्कुल भी भून गया है, बिल्कुल हमारा ऑयल निकल गया है, देखिए कितना सारे ऑयल इसमें छोड़ दिया है। अब हम हल्का सा बिल्कुल चुटकी भर जो है वो रेड कलर डालेंगे। आप चाहें तो नहीं भी डालिए, क्योंकि अगर आपको होटल के जैसा टेस्ट लेना है तो फिर आप कलर हल्का डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर कलर डाला है, हम इसे मिला के पानी से डालेंगे। अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो आप थोड़ी ग्रेवी पानी को थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको पूड़ियों के साथ खाना है तो आप हल्की ग्रेवी गाढ़ी ही रखिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे, गैस को हम अपनी धीमी कर रहेंगे, ये मीडियम फ्लेम पे हम इसे जो है वो 5 से 8 मिनट तक पका लेंगे। ये हमारा बिल्कुल कलर क्या बढ़िया आ रहा है, खुशबू भी बहुत ही टेस्टी आ रही, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 8 मिनट तक पका लेंगे ढक के। इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो ये हमारा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। अगर आप चीनी आधा चम्मच जो हमने डाला है, आधा से थोड़ा चम्मच, अगर आप उसे नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप डालने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको नहीं पसंद है तो। और फिर लास्ट में ये जो है हमने आधा चम्मच बटर डाला है, जो कि बटर आधा छोटा चम्मच हमने लास्ट में बटर डाला है, जो कि बटर खाने में टेस्ट को और बढ़ा देता है और मुझे तो खासकर बहुत पसंद है। तो फिर बस अब ये गल जाए हल्का सा, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार है ये हमारी टेस्टी यम्मी कढ़ाई पनीर। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए बना के, और इसे ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना हुआ है। जो कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान देने के लिए बताया है कि अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो आप चीनी को डालने की ज़रूरत नहीं है, और मलाई भी अगर ग्रेवी रिच करने के लिए मलाई को डाली जाती है तो ये ग्रेवी ऑलरेडी इतनी रिच है, तो मैंने एक ही चम्मच मलाई डाली है, तो आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। तो बस आप इसे बनाइए और ज़रूर खाइए, और इसे पूड़ी, इसे राइस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए और मेरे बताइए कि ये कैसा बना है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।